वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज आपकी फरमाइश पर हम लेकर आए हैं दानिश जैन के एटीट्यूड वीडियोस के ऊपर रिएक्शन। इनका जो है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त व्लॉगर है और रियलिटी शो में भी आए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त और हिट रहा वो रियलिटी शो। लेकिन उनकी डेथ हो गई, ब्लॉग्स ऐसे थे उनके जो कि पसंद किए जाते थे, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। और स्टार्टिंग में जो है ना समझने इन्होंने ही ब्लॉगिंग का आगाज़ लोग जानते थे ब्लॉगिंग को इनके जरिए। अच्छा, तो ये बहुत पहले आए थे। तो भाई चलते हैं आपके साथ में, हमारे चैनल को पूरा वॉच कीजिएगा। नए चैनल पर आने वाले से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना खूबसूरत सा कमेंट्स में खूबसूरत से आंसू से जरूर डालिए। तो आए हमारे साथ, लेट्स गो। क्या लगता है आप में से ज्यादा हॉट कौन? कुछ लोग थे जो ब्लॉग कर रहे थे, ये बिग बॉस नहीं, बिग बॉस नहीं, वैसे ही रियलिटी शो था। उठ गया, सो जा फिर से थोड़ा। ओए मैं ओपी दिख रहा क्या? तू ओपी? अरे तू ओपी, ये उसी से रिलेटेड बनाया था। गुड मॉर्निंग, क्या नाम? और खबर उनको रियलिटी शो में ही मिली थी, जो लोग थे वो सब, वो रियलिटी शो चल रहा था। देखिए ये होता है सिर्फ दिखावे की वजह से जो है ना, हाईवे ही है। नहीं हाईवे तो हाई रोड नहीं है, सिग्नल पर रोड पे इतना इतनी देर से तो फिर हाईवे पे तो ये बिल्कुल बिग बॉस टाइप का नहीं लग रहा था ना। क्या बोला था कुत्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम लिया। फाइट भी बहुत जबरदस्त हुई थी, उधर ही रियलिटी शो। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय दानिश जी, हैड बैक इन द गेम विद अ न्यू वीडियो। व्हाट्स अप और फिर बोल रहे तो दानिश जैन। हाँ जो भी है, मतलब ये जो मेन है जिसने टैलेंट दिखाया है, जो मेहनत करता था, उसका नाम दानिश जैन है। लेकिन जब से वो नहीं रहा तो फिर हम ये भी नहीं जाएंगे नहीं रहा, हम सबके दिलों में, हम सबके जैन में और हम सबकी यादों में। और उस जैसा सोशल मीडिया का स्टार, बॉलीवुड स्टार अलग है, सोशल मीडिया का उस जैसा स्टार ना आज तक पैदा हुआ है दानिश जैन जैसा, ना होगा ना कभी आया है। जाने के बाद जहाँ भी देखोगे अकेला ही मिलूंगा, ये चार लड़के खड़े करके मैं खुद को बदमाश नहीं बताता। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहे हैं। बॉयफ्रेंड बनाओगी ना?
बना लूंगी अगर अगर शादी का मौका मिला उनके साथ तो। हाँ मतलब डिसेंट लग रहा है। अच्छा जेंटलमैन हाँ। पटाई तेरी छोरी कर ले। Women. तो ये ना यंग एज में इतना बॉडी बनाना ये करना फोकस है ना तो कसम से बहुत बड़ी बात है कि यंग एज में ना बर्बी लाकर मेरी ख्वाहिश मेरी वजह से मेरी ख्वाहिश हो प्यार तेरे नाल यार तेरे नाल जान भी तेथो वार दिया मैं आ तेरा तू ए मेरी ऐना तेनू प्यार दिया दुनिया जो मर्जी ए बोले तेरे ते एतबार बड़ा इसे गल इतने साल हो गए उसे तुम्हें छोड़े हुए हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है हमारे यहाँ ना इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अच्छा तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? ना ना मैडम आप सब बहुत अच्छे पर इसके बाद बहुत सी चीजें पता चली है जो मेरे पीछे बात करी गई है और मैं कभी किसी के बीच में बोलता नहीं बट कोई मेरे बीच में बोलता है ना तो मैं छोड़ता भी नहीं। ये बहुत बड़ी फाइट है। अच्छा गाइस दानिश जैन के चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। गाइस दानिश जैन के जाने के बाद भी उनके चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गाइस अगर दानिश जैन जिंदा होते तो ये संख्या 6 मिलियन की जगह 60 मिलियन होती क्योंकि गाइस दानिश स्टार है जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में है। लेकिन गाइस आज भी दानिश जैन का नाम उतना ही है जितना पहले था और दानिश जैन जैसा सोशल मीडिया स्टार कभी पैदा नहीं होगा। और गाइस यदि आप भी दानिश जैन के अम्मा को भी चीजों के बारे में पता चल गया मीठा मीठा वह चीज करो जो करना है स्टार्टिंग में हेट मिलता है हर किसी को मिलता है मुझे तो अभी भी हेट मिलता है बट मैं इग्नोर करता हूँ तो क्योंकि अगर अगर तुम आगे बढ़ोगे ना तो लोग बोलते ही है दानिश कौन है दानिश एक वीडियो बनाता है उससे बहुत अच्छा दानिश जैन हाँ। अच्छा दानिश जैन ओ भाई लव यू भाई दानिश हैड अ कार एक्सीडेंट लास्ट नाइट ये पता चला प्रतीक के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती हुई थी वो जो लेकिन वो होता है ना कि अब एक टाइम तक एक साथ रहो फिर बाद में पहले झगड़े क्यों ना लेकिन इस हद तक तो कोई नहीं चाहता झटका लगता है। So hey guys, what up everybody? It's your boy Dani's hand back with the game with a new video, baby. Okay, so guys, जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत दिनों बाद हम लोग कोई ब्लॉग शूट कर रहे हैं। I mean, इतने दिनों से हम लोग ने एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। Dude, मेरा जो शेड्यूल चल अब इस तरह इतना चल रहा है लेकिन उस टाइम था ये कि बंदा देना लेना सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो अपने लिए सब करते हैं और आप इस पैसे को कहीं अच्छी जगह पर यूटिलाइज करें जो आपके लिए अर्निंग हो रही होती है उस इंसान के पास जाएंगे आज के एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा वोट्स मिले कांग्रेचुलेशन दानिश देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस दैट लव्ड यू एंड सेव्ड यू था जिसने फैन और जिसका आज भी नाम नहीं मिलता उसका नाम है दानिश जैन सखियां मार दिया क्वालिटी देख सकते हो आई मीन आपको लेदर है बहुत खूबसूरत हो
आपका स्वीटहार्ट है कौन? तुम्ही तो मेरी स्वीटहार्ट हो। तुम्ही एब्स बेटर है? एब्स तो मेरे ख्याल से इसी के बेटर होंगे सर। इसी के बेटर होंगे? बेटर हैं होंगे। होंगे क्या वो है? तो भाई क्या लगा वीडियो देख के? मतलब वीडियो देख रहे क्या? मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि इतनी यंग उसमें एज में जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो ये जो होता है ना दिखावा जो होता है, आप बहुत ज्यादा खुदनुमाई करना और बाइक तेज चलाना या गाड़ी ड्राइव करना, ये तो इससे आपको ही सीखना चाहिए जिंदगी जो है एक बार मिलती है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि ये तेज रफ्तारी यूज करने से कोई बड़ाई नहीं हो जाती, कुछ नहीं होती। क्यों वो आप अपनी जान से चले गए और क्या वो कुछ भी नहीं। और ये बंदा उस टाइम उस उरूज पर था। हाँ। कि आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये वहाँ पे था बंदा। कुछ चीज ऐसी होती है जो बाईस चीजों की नजर भी होती है, हसद भी होती है, जो इंसान को खा जाती है। नजर बहुत गंदी चीज। तो ये जो है ना ये बहुत ही खराब चीज होती है, नजर और हसद भी। और दूसरे ये बहुत अच्छा लगा कि जो आपकी अर्निंग हो रही है उससे आप किसी और की शेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी आप सब लोगों से ये कि अगर आपके पास कोई अर्निंग होती है तो कम से कम ऐसे लोगों का जरूर ख्याल करें जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, और अपनी इस कमाई को जो है थोड़ा सा अच्छी जगह पर भी यूटिलाइज करें। तो कमेंट्स में भाई दानिश के लिए जो है ना वो रेस्ट इन पीस जरूर लिखिएगा, RIP जरूर लिखिएगा उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, और बाकी अच्छा बुरा वक्त तो सब पर ही आता है। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लाइक शेयर करने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें जरूर दें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।